बाद में हल्दी का रस्म जो होता है उसका साड़ी, बाद में मैरिज रिसेप्शन ऐसे साड़ी। बट एक बात बता दूं पहले आप लोगों को, मेरे पास इतना ज़्यादा साड़ी नहीं है और ज़्यादा प्राइस का साड़ी भी नहीं है, जितना भी है आप लोगों से शेयर कर दूँ मैं। और आई होप सब लोगों को अच्छा लगेगा। और जो लोग नए जुड़े हो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक माई चैनल ऐसे अलग अलग वीडियो पाने के लिए देखने के लिए। सो एक्चुअली मेरा घर है बंगाल, वेस्ट बंगाल, और मेरा शादी हुआ था महाराष्ट्र में। सो हमारे शादी इधर ही हुआ था, मेरे ससुराल का गांव में ही हुआ था। सो बंगाल का रस्म का जो साड़ी होता है ना, वो सिर्फ मेरा मीन्स रिसेप्शन सॉरी मैरिज और रिसेप्शन का साड़ी वहाँ से आई थी। और दो या तीन साड़ियाँ हमारे उधर से मेरे मौसी मेरे बुआ का घर से आए थे। और मेरा एक आईब्रो मीन्स मैरिज का पहले जो खाना खिलाते हैं वो एक साड़ी है, ऐसा है। और भी शादी के बाद साड़ी हुआ है, बट मैंने सभी नहीं दिखा रही हूँ, ये सिर्फ शादी में जो यूज हुआ है, शादी के बाद में जो यूज हुआ है वही साड़ी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आप लोगों को पता है मैं जॉब करती हूँ, तो ज़्यादा साड़ी मेरे पास नहीं है पूरा साड़ी कलेक्शन दिखाने के लिए। यहाँ पे जो इतना रखे है ना, यही मेरा मैरिज साड़ीज है। सो दो चार सिंपल वाला साड़ी जो आया था तो वो मैं दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मेरा आईब्रो जो होता है ना शादी से पहले खाना खिलाते हैं उसका साड़ी से, तो ये था वो साड़ी, एक कॉटन का साड़ी था। देखिए इसका बॉर्डर ऐसा है, तो मैंने इसको एक बार ही पहनी हूँ आईब्रो में, उसके बाद पहनी हूँ। पूरा प्योर कॉटन का है, तो मम्मी लेके आए थे। तो हुआ तो इस साइड में मैंने आईब्रो का फोटोज मैंने डाल दूंगी, ठीक है, कुछ मोबाइल में खिंचा हुआ फोटोज है, सो वो वाला डाल दूंगी। ये वाला बहुत ही अच्छा कपड़ा है, मीन्स घर में पहनने के लिए, नए शादी होने के बाद ये होता है, अच्छा होता है। सो उसी टाइप में मम्मी ने लेके आए थे, तो साइड में इस साइड में रख दूंगी। और एक है ये वाला साड़ी, देखिए ये सिल्क साड़ी है, ये मेरा मौसी का घर से दिए थे मुझे आईब्रो में। तो ऐसे वाला साड़ी बहुत लोग पहने होंगे मुझे पता है, ऐसा कुछ है। ये तीन चार कलर का है, और पिंक कलर का ब्लाउज, स्काई कलर का ब्लाउज, कोई ब्लाउज के साथ पहन सकते हैं ऐसा। ये सिल्क का है, सिल्क का कपड़ा है, बट बहुत डिजाइन बहुत अच्छा है। तो ये गया सेकंड वन, बाद में मैं सभी फोल्ड करूंगी, अभी फोल्ड करने जाऊंगी तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो और एक है ये वाला साड़ी, ये देखिए ये वाला साड़ी, देखिए ये मेरा बुआ का घर से दिए थे, ठीक है। ये वाला साड़ी है, ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक कुछ डिजाइन है, क्या नेट टाइप का है, बट नेट टाइप का है, बट मुझे साड़ी का नाम नहीं पता है, आप लोग बता दीजिए, आप लोगों को पता होगा तो। ऐसे टाइप का है, देखिए ऐसे टाइप का है, ठीक है। सो आप लोग बता दीजिए। तो मैंने इसको खोला भी नहीं है, पहना भी नहीं, मौका ही नहीं मिला पहनने का, सो इसीलिए ये वाला था। ये इसमें नीचे ऐसा कुछ प्रिंटेड हुआ है, तो ये भी अच्छा है, कलर बहुत स्वीट सा है कलर। तो ये हो गया मेरा आईब्रो का, ये तीन दिखा रही हूँ। वहाँ से वहाँ पे बाद में जाने के बाद उधर से रिसेप्शन हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोग साड़ी दिए थे, वो सभी वहाँ पे है, एक दो मैं लेके आई हूँ, ऐसा हुआ है। तो बाद में जाते हैं मेरी इसमें शादी के बाद मैंने चार साड़ियाँ ली थी घर में पहनने के लिए, ठीक है, वो दिखा देती हूँ, बाद में शादी का रस्म में जाएंगे, हल्दी शादी रिसेप्शन, ठीक है। तो ये है पहला एक सिल्क नॉर्मल सा साड़ी, इसका एक ब्लाउज है, और ये है, ये घर में पहनने के लिए था, मैंने बहुत बार पहन चुकी हूँ, खराब हो चुका है आई थिंक सो, ये देखिए नीचे का ऐसा है। तो एक था वन, इसका ब्लाउज भी कट, सभी का ब्लाउज कट करवाया था मैंने। नेक्स्ट आएगा ये, ये देखिए ये वाला, आप लोग ब्लॉग्स में देख चुके होंगे ये वाला साड़ी, ये वाला साड़ी मैं बहुत बार पहनी हूँ, बहुत बार पहनी हूँ, फिर भी अभी पहना तो भी अच्छा दिखता है, मीन्स मेरे में जचता है ये वाला साड़ी जो है ना,
क्यों पता नहीं है, लेते टाइम पे तो ऐसे ही लिया था, बट ये जो देखिए ये जब पहनती हूँ ना मुझे बहुत अच्छी लगता है, ऐसे दिखती हूँ मैं भी, मुझे खुद को लगता है, तो इसीलिए ए वाला साड़ी था। ये देखिए ए पूरा बॉर्डर में है और ए पूरा बॉर्डर में है, तो ए वाला साड़ी मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, आप लोग ब्लॉग्स में देखे होंगे मेरे पिछले वाला ब्लॉग्स में। तो नेक्स्ट इतना और दो हुआ, तीन नंबर इसमें भी ब्लॉग्स में देख चुके होंगे आप लोग, ये भी इसका भी ब्लाउज है ये, ठीक है मैं कट कराऊंगा, और ए है साड़ी, ए कलर का है, और ऐसे इसका चिकन का जो ए होता है ना धागा होता है उससे काम किया हुआ है, अच्छा है। ए बॉर्डर है और ऐसे इधर तक डिजाइन है, और इसके बाद ए भी सिल्क प्लस कॉटन टाइप का है, ठीक है ये चला गया, और फोर्थ नंबर आएगा इधर, तो ये ब्लाउज कुछ कर देते हैं, मैं ऐसे करती हूँ साड़ी का अंदर जो पेटीकोट और ब्लाउज होता है वो अंदर डाल के रखती हूँ, तो ढूंढने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, कौन कौन ऐसे यूज करते हो मुझे बताओ। और ये है और एक साड़ी ये वाला मैंने एक बार पहनी हूँ, वो आने जब शादी में रही थी तब हल्दी का दिन पहनी थी मैंने भैया का, सो ये वाला साड़ी था, ये वाला भी अच्छा साड़ी है, चार साड़ी में ये वाला थोड़ा अच्छा साड़ी है, ये वाला कैसे लगा बोलिए आप लोगों को, ये वाला देखिए ये आई थिंक जो कांजीवरम टाइप का है, बट ये कांजीवरम है नहीं, तो इसीलिए था ये वाला, इसका बॉर्डर भी बहुत मस्त है, ठीक है तो इसीलिए, तो ये वाला हो गया चार साड़ी, ठीक है मेरी, तो बाद में मैं जाऊंगी हल्दी का साड़ी में, मेरा हल्दी का जो साड़ी है ना मेरी वो इतना खास ज़्यादा प्राइस का नहीं है, क्योंकि हल्दी का साड़ी बाद में यूज़ नहीं होता है, तो इसका ब्लाउज का टाइप मैंने हल्दी का ये वाला, और साड़ी है सिंपल साड़ी है, पूरा येलो कलर, महाराष्ट्र में हमारे उधर जैसे येलो रेड चलता है, बट महाराष्ट्र में पूरा येलो पहना था हमारे ससुराल से, मेरी ससुराल से बोले थे प्योर येलो पहनना है, और सो इसीलिए ज़्यादा दाम का नहीं, ऐसा येलो बॉर्डर्स है और ऐसे छोटा छोटा फ्लावर्स है, और ये था मेरा हल्दी का साड़ी, इतना खास नहीं था, पूरा येलो पहनना था तो इसीलिए ले ली हूँ वो, ऐसा है। नेक्स्ट मेरा शादी के साड़ी में, ठीक है जो बंगाल से आया था, दो साड़ी है, ठीक है तो दो बनारसी है, वो दिखा देती हूँ, ठीक है तो ये है मेरी मैरिज का साड़ी, और वेट है आई थिंक 5 to 6 kilo, ठीक है तो ये मैंने मैरिज में एक बार पहनी थी, उसके बाद नहीं पहनी, मैं पहनने का मौका नहीं मिला है, तो इसीलिए इसका अंदर मेरी ब्लाउज है जो मम्मी ने कट किया हुआ है ब्लाउज, सो ये है मेरी मैरिज ब्लाउज, ये है मेरी मैरिज ब्लाउज जो मम्मी ने कट करके दिए हैं मुझे, तो मम्मी को मैंने डिजाइन बता दी थी, ये है बॉर्डर का, मुझे डिजाइनर ब्लाउज मेरे मम्मी से मिल जाती है मुझे, तो इसीलिए देखिए ये पीछे का है, ऐसे झुमका लगा हुआ है, और ये है हाथ, तो ये था मेरा शादी का ब्लाउज, ठीक है और इधर है साड़ी, है मेरी साड़ी, शादी का साड़ी, ये रेड एंड ग्रीन में है, सो महाराष्ट्र में शादी में मेरी ससुराल से बोले थे ग्रीन रहना है साड़ी में, सो ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन में मैंने ली थी बनारसी, सो देखिए आप लोग खोलती हूँ, देखिए ये पूरा ऐसा है, ये वाला पूरा ऐसा है, और ऐसे खोलती हूँ मैं, ये पूरा साड़ी ऐसा है, और रेड में जो है ना मीन्स आपका रेड रहेगा जो नीचे हम क्या करते हैं उसको कूची करते बोलते हैं ना, मीन्स नीचे पोर्शन में जो आप पहनते हैं उधर रहेगा रेड, और जो आंचल का पोर्शन है ना जो पल्लू होता है, पल्लू जो होता है पल्लू आएगा ग्रीन में, मीन्स यहाँ से आपका पल्लू जाएगा ग्रीन में, ऐसा है ये साड़ी, और ये देखिए ये था पल्लू, ठीक है पल्लू का डिजाइन देखिए, बनारसी बोले तो बनारसी है ना, इसीलिए हम बंगाल में शादी में बनारसी नहीं तो शादी नहीं है ना, सो मैंने शादी का साड़ी यहाँ से नहीं लिया था, बंगाल से ही लाई थी, सो मेरे मम्मी पापा ने लेके आए थे, तो ये है रेड कलर पोर्शन, ठीक है और ये है ग्रीन कलर पोर्शन, तो मेरे शादी का साड़ी कैसे लगा आप लोग बताइए, ठीक है मैं और भी खोल के दिखाऊं आप लोगों को, ये देखिए ये रेड और ग्रीन का जहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ है, पूरा साड़ी है, ये है बॉर्डर है लोगों को, ठीक है
तो मैं शादी का एक फोटो इधर डाल दूंगी, आप लोग देख लेंगे। तो फिर बॉर्डर है, शादी के साथ है। सो ये इतना भारी है, कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। सो इसको मैं ऐसे एक साइड पे पकड़ के रखी हूँ। मस्त है एकदम। ठीक, कैसे लगा मेरा मैरिज का साड़ी? शादी का साड़ी बोलिए आप लोग कमेंट में, ठीक है? और किलो का अच्छा लग रहा है, प्लीज सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिए चैनल को। और ये मैं साइड में रख दूंगी, बहुत ही भारी है। और बाद में और एक जो बनारसी था जो मेरे को यहाँ पे रिसेप्शन में पहनना था, बट मैंने पहनी थी बेंगल का रिसेप्शन में, मेरे पापा जो वहाँ पे रिसेप्शन रखे थे। सो ये वाला साड़ी, ये भी बनारसी है बट इतना वेट नहीं है, हल्का है, उससे हल्का है। सो ये भी दोनों कलर का कॉम्बिनेशन है, ये है पिंक एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन, पिंक एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है? ये पिंक भी पहन जहाँ पहनेंगे वहाँ पे पिंक रहेगा और आंचल में रहेगा ब्लू। तो मैं ये खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये पूरा पिंक का जो है ना, ये पूरा साड़ी का बॉर्डर है और ये पिंक का डिजाइन है। ये देखिए, ये पिंक का डिजाइन है और ये साड़ी का बॉर्डर है। और इसके बाद जो ब्लू कलर है वो साड़ी पूरा खोलती हूँ क्योंकि ये थोड़ा हल्का है, खोल सकते हैं आप। और ये है ब्लू, ये ब्लू का डिजाइन है और ब्लू का बॉर्डर है। और जो पल्लू जो है मस्त है, ये है साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू। ये है ग्रीन कलर, देन जाएगा ग्रीन एंड पिंक का इधर कॉम्बाइन। इधर है पिंक एंड ब्लू का, सॉरी पिंक एंड ब्लू का कॉम्बाइन, दोनों डिजाइन। देखिए आप लोग, ये पूरा साड़ी मैंने खोल के दिखा दी। और बाद में ये मैंने पहनी थी बेंगल ने जो रिसेप्शन हुआ था वहां पहनी थी। हाँ, इसका ब्लाउज दिखाना भूल गया लोगों को, ये भी मम्मी से कट किया हुआ है। ये है पीछे का डिजाइन, पीछे वाला। और ये है हाथ, हाथ में भी पीछे वाला, ठीक है? ये है मेरी और ये है झुमका ब्लाउज का। तो ये था। और बाद में मैं उससे पहले मुझे दिखाया था लज्जा वस्त्र जो बोलते हैं, जो मंडप पे सिंदूर दान के टाइम पे एक पल्लू डालने के लिए एक साड़ी देते हैं ससुराल से। सो ये है ये साड़ी, ये मैंने पहले पिछले वाला ब्लॉग में मीन्स डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं गई थी फंक्शन को। तो ये साड़ी था, खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सिल्क साड़ी है बट बहुत ही हेवी साड़ी है। ये है इसका बॉर्डर है और पूरा बॉडी में ऐसे काम किया हुआ है, छोटा 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 चुमकी। सो ये था मेरी लज्जा वस्त्र। सो इसका फोटो मैं डाल दूंगी, आप लोगों को पता ही है, देखा होगा। और इसका ब्लाउज मैंने डाली थी, ठीक है, सिंपल वाला। तो ये था मेरी लज्जा वस्त्र। और नेक्स्ट मैं जाऊंगी यहाँ का जो पूजा हुआ था, मीन्स हमारी जो शादी के दूसरे दिन पूजा होता है और उसको ही हम रिसेप्शन बोलते हैं महाराष्ट्र में। सो उसी टाइम पे मेरे सासू माँ मीन्स मेरी मम्मी ने ये साड़ी दी थी मुझे पहनने के लिए। सो ये साड़ी मैं दिखाती हूँ। इसका ब्लाउज भी पहले दिखा देती है, इसका ब्लाउज भी मेरी मम्मी ने कट किए है, बाद में कट करके लेके आई हूँ। ये देखिए, ये वाला भी मैंने बड़ा बड़ा कुछ लेके कट करवाई हूँ, ये हाथ में भी और गले में भी। वो थोड़ा छोटा छोटा कुछ था, ये थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो ये था ब्लाउज और ये है साड़ी। ये भी थोड़ा भारी है, साड़ी का साड़ी से छोटा थोड़ा कम है बट भारी है ये वाला साड़ी। इसका फोटोज भी मैं इधर डाल दूंगी, ठीक है? हमने थोड़ा बहुत फोटोशूट करवाया था इस साड़ी में, इसलिए ये है। ये ऐसे साड़ी का डिजाइन है, ऐसे देखिए। और ये है पल्लू, पल्लू ये भी पिंक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? पल्लू है ग्रीन और बॉर्डर है ग्रीन का और पल्लू है ग्रीन का और पूरा बॉडी जो है ना वो है पिंक का। साड़ी खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को, ऐसा है, ऐसे पूरा भारी है, पूरा काम किया हुआ है बॉडी में। और ऐसे बॉर्डर है और ऐसे पूरा भारी सा काम किया हुआ है। तो और पल्लू में भी पूरा काम किया हुआ है। यह है पल्लू, इसका पल्लू भी मुझे बहुत मस्त लगता है। तो ये था यहाँ का
रिसेप्शन मीन्स पूजा का साड़ी था। और नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी, ये साड़ी मैं ऐसे ही रख रही हूँ, गलत मत समझिए, मैं उसके बाद सभी फोल्ड करूंगी। और एक है मेरा ओढ़नी और मेरा बोलिए ये है गले में डालते हैं ना वो वाला, एक साथ था इसीलिए। और मेरा ओढ़नी है जो मैं शादी में सर में नहीं डाली थी, हाथ में ली थी, ये हमारे बंगाल में ऐसे सर में डालते हैं बट महाराष्ट्र में ऐसे बांध के वो सभी तो वो सब में नहीं डालते, तो हाथ में मैंने लिया था थोड़ा बहुत कुछ स्टाइल बना के, तो ये था मेरी चूड़ी, मैं आज ले लेती हूँ ऐसे। नहीं दुल्हन लग रही हो या पुराना, आप लोग के कमेंट में बताइए, ठीक है। तो ऐसे ही आज का मैं ये जो शेयर की हूँ मेरा मेरी साड़ी, तो कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए मुझे। और पूरा वीडियो जैसे लग रहा है तो प्लीज लाइक तो बनती है और शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स में। और बेल आइकॉन एक है रेड कलर का घंटी, तो उसको दबा दीजिए तो पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। तो मेरी ब्लॉग इधर ही मैं खत्म करती हूँ नहीं दुल्हन बन के, और फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग लेके और एक मजेदार ब्लॉग लेके, तब तक के लिए टाटा टेक केयर।